कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजा सिंह के खिलाफ भी पार्टी मिलकर अंबरपेट पीएस में कंप्लेंट दिया गया है। आइए देखते हैं नुमाइंदे सैयद अब्बास की ये रिपोर्ट। बोलिए। आज बाद नमाज मगरिब इब्तदाई मजलिस पेट की जानिब से मजलिस के तमाम सुदूर मोतमदीन सरगर्म कारकुन की जानिब से अंबरपेट पुलिस स्टेशन में बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने जो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से गुस्ताखी की है उसके खिलाफ गवर्नर इंस्पेक्टर को याददाश्त पेश की गई इंस्पेक्टर को कंप्लेंट दी गई है और इंस्पेक्टर साहब ने अपाइज की है कि वो FIR बुक करके हमारे हवाले करें। ये बात वाज़ह है कि जब से मरकज़ी हुकूमत ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है बराबर मुसलमानों के ख़िलाफ़ और खुसूसन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं। अनूप शर्मा उसके बाद हैदराबाद में राजा सिंह ने जो जुर्रत की है इंशाल्लाह उसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं जो राजा सिंह के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और राजा सिंह जो जुर्रत किया है मुसलमान और खुसूसन हैदराबाद के मुसलमान उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और जहां तक हो सका उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। मैं हुकूमत से और पुलिस से गुजारिश करता हूं कि वो अमन आमा को कायम रखने के लिए राजा सिंह को फौरन गिरफ़्तार करें और उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। राजा सिंह को नुमाइश के तौर पर गिरफ़्तार किया गया और फौरन उसको बेल दे दी गई। ये जमहूरियत के साथ सख्त नाइंसाफ़ी है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। रिमांड हुआ है उसको करे हैं लेकिन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह मजलिस इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन अंबरपेट का मुतालबा है। मुस्लिमीन व अंबरपेट के तमाम पार्टी के अरकान यहाँ पर अंबरपेट PS के अंदर पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई सरों का समंदर यहाँ हमारे सामने ठहरा हुआ है। नौजवान मिल्लत इस्लामिया और तमाम अंबरपेट के ज़िम्मेदार हजरात यहाँ पर पुलिस स्टेशन को जो है बड़े तंजो गम के साथ पुलिस स्टेशन को पहुँचे हैं। कि रात देर जाने के बाद हमको ये पता चला कि राजा सिंह सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी किया। ये मनोहर हमेशा जो बार बार ऐसा ही करते रहा कि अपनी सियासी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कई सरों का समंदर यहाँ हमारे सामने ठहरा हुआ है। नौजवान मिल्लत इस्लामिया और तमाम अंबरपेट के ज़िम्मेदार हजरात यहाँ पर पुलिस स्टेशन को जो है बड़े तंजो गम के साथ पुलिस स्टेशन को पहुँचे हैं। कि रात देर जाने के बाद हमको ये पता चला कि राजा सिंह सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी किया। ये मनोहर हमेशा जो बार बार ऐसा ही करते रहा कि अपनी सियासी दुकान चमकाने के वास्ते ये हमेशा जो है मुसलमानों को टारगेट करना और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना औलिया कराम की शान में गुस्ताखी करना इसका एक जो है आयन एक जो है मज़हब बना हुआ है। हम जो है हुकूमत तेलंगाना से और हुकूमत हिंद से जो हम अदबन ख्वाहिश करते हैं जैसे कि अभी जो है हमारे जिक्र से मुकर्रर जो बताया नुमाइश के तौर पर अरेस्ट किया गया और 14 दिन के से रिमांड किया गया वहाँ पर इसको PD Act लगाकर फौरी जो है उसको जो है बगैर किसी बेल के उसको जैसा जो है
दूसरी जो उसकी जो मजहबी जो पार्टी है वो पार्टी उसको सस्पेंड करे एक रस्मी तौर पर, तो उसको जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको ऐसा जो मार देगा कि जो अल्लाह उसकी जो है वो एक तुरंत जनाब बने हुए रहेगा, उसकी मौत भी जो ऐसी वाकई हो जाएंगी आप इंशाल्लाह देखेंगे। तो सरकारी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में यहाँ पर नहीं बल्कि आलम अरवा में और तमाम जो है कंट्री में जो है सरकार की शान में जो गुस्ताखी करने वालों का आलम क्या हुआ आप सबको पता है। इसी तरीके से इसको भी अल्लाह पाक जो है नफ्त नाबूद करता है इंशाल्लाह। हम अंबरपेट पुलिस स्टेशन के जो है सर्कल साहब को और जो कमिश्नर ऑफ हैदराबाद को और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को और जो हमारे जो रियासती वजीर जो सेकुलर पार्टी का जहन रखते हैं हमारे KCR साहब से मैं हम सख्त से सख्त उसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो सख्त से सख्त जो उसको जो वो होना चाहिए पनिशमेंट होना चाहिए और उन जेल से बाहर न निकलना इंशाल्लाह। तमाम हैदराबाद में जो मुसलमान जो कम में बल्कि हैदराबाद में नहीं पूरे सारे जो आलम में जो मुसलमान बहुत परेशान हैं इस मामले में हम सबको बर्दाश्त कर सकते हैं और सरकार की शान में गुस्सा की तो इंशाल्लाह उसको हम बख्शने वाले नहीं हैं। अल्लाह पाक उसको जो सख्त से सख्त सजा दे हम अल्लाह से दुआ करते हैं। ये हमको जो पुलिस स्टेशन और ये जो कोर्ट से हमको उम्मीद नहीं है उसको जो सज़ा पक्की मिल सकी इंशाल्लाह अल्लाह तो बराबर उसको सज़ा देगा। वाकिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जितने भी यहाँ पर जो नौजवान हमारे भाई जो दोस्त और जो जवान मसाजिद कमेटी तमाम पार्टी के जो है सदर मुतमिदीन हर पार्टी के तरफ से माइनॉरिटी के तरफ से जो यहाँ पर आए हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और इंस्पेक्टर सुधाकर साहब से जल्द तो हमको FIR का भी दे और ऐसा नहीं कि कल ये जो एक्नॉलेजमेंट दे के हमको खामोश बिठाना नहीं इंशाल्लाह कुछ ही घंटों के अंदर हमको FIR का भी ज़रूरी चाहिए तो हम इंस्पेक्टर साहब से मुतालबा करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं जब जल्द से जल्द FIR का भी शुक्रिया खुदा हाफ़िज़। मुस्ताक़ नबी की एक सदा बर्तन से जुदा।